स्टूडेंट्स प्रोफेसर जसप्रीत कौर है वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ई-कॉमर्स का एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ठीक है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम तो ये इमेजेस देख के आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि इन इमेजेस से तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो क्योंकि डेली बेसिस पे हम कार्ड्स वगैरह यूज करते रहते हैं राइट तो इन्हीं के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यह है पार्ट वन ठीक है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है डू यू मीन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इसके थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली राइट right? हमें अपने साथ कैश या चेक कैरी करने की जरूरत नहीं है आपके पर्स के अंदर वॉलेट के अंदर पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप पे कर सकते हो अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली ठीक है आज की डेट पे हंड्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड सिक्योर इंटरनेट ट्रांजेक्शन हम आज की डेट पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स ऑलरेडी यूज कर सक कर रहे हैं राइट लेकिन मतलब इतने सिक्योर हैं हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो बहुत ये हम फेमिलियर हो चुके हैं इन चीज़ों से हम ई बैंकिंग यूज़ करते हैं गूगल पे यूज़ करते हैं पेटीएम यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें क्या है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है और ये आपको सिक्योर इंटरनेट ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है थीके? अब जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर चार चीज़ें ज़रूरी होती हैं सिक्योर का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ का डर ना हो ट्रांजेक्शन करते टाइम तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंश्योर दैट कम्युनिकेशन आर प्राइवेट आप जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहे हो या जो आपसे पैसा ले रहा है ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द टू पार्टीज दिस मस्ट बी प्राइवेट ठीक है और जो कम्युनिकेशन जब क्या हो रही है ट्रांसमिट हो रही है तो ट्रांसमिशन के दौरान ये चेंज नहीं होनी चाहिए आपने कुछ और भरा आपने टेन थाउजेंड की अमाउंट भरी तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उसमें कोई चेंजेस हो गए फ्रॉडुलेंट वे से तो वेरीफाई करना कि दैट द कम्युनिकेशन हैव नॉट बीन चेंज्ड इन ट्रांसमिशन बहुत जरूरी है फिर उसके बाद ये इंश्योर करना कि क्लाइंट एंड सर्वर आर ईच क्लेम्स टू बी मतलब मैं उसी को पेमेंट कर रही हूँ जिसको मैं सोच रही हूँ दिमाग में और वो पर्सन भी उसी से पेमेंट ले रहा है जिसके बारे में वो सोच रहा है माइंड में कि जिसको हम क्लेम कर रहे हैं वही पर्सन होने चाहिए वही क्लाइंट एंड सर्वर होने चाहिए इस बात की इंश्योरमेंट पहले होनी चाहिए और फिर फोर्थ क्या है इंपॉर्टेंट चीज इंश्योर होना कि द डाटा टू बी ट्रांसफर्ड वॉज इनफैक्ट जनरेटेड बाय द साइंड ऑथर कि जो भी डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है वो साइंड ऑथर का ही होना चाहिए अब जैसे गूगल पे की एग्जांपल लेते हैं हम राइट गूगल पे गूगल के ऊपर ऑलरेडी लोगों का इतना विश्वास है कि गूगल पे ये वर्ड से ही हमें ऐसा नहीं लगता कि ये जो है एक फ्रॉडुलेंट ऐप हो सकती है या इससे हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है तो वो एक साइंड ऑथर है रिप्यूटेड ऑथर है तो पहले से इंश्योर करना कि जो भी आप ऐप आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल आ, वो होनी चाहिए सिक्योर्ड होनी चाहिए और साइंड ऑथर की होनी चाहिए क्लियर इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए

तो जब आप अपना पासवर्ड भरते हो तो वो जैसे सर्कल्स में, तो में आ जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है ठीक है या हम अपना ए का पिन जाके भरते हैं तो वो क्रॉस में आ जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है जो हम लिख रहे हैं वो तो नहीं शो होता ना तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है क्यों कन्वर्ट होता है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज असेस राइट और इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स होते हैं वो किसको यूज करते, है? करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स को यूज करते हैं ठीक है अब डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं ये भी एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड होते हैं दैट अलाउ अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज डेटा सिक्योरली ओवर द इंटरनेट जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी हमें पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं और उस पासवर्ड की हेल्प से हम सिक्योर्ड वे में अपना जो डाटा है वो एक्सचेंज कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट क्लियर अब हमारे पास ट्रेडिशनल मैथड कौन कौन से थे सिंपल से मेथड है कैश के थ्रू चेक के थ्रू हम पेमेंट करते थे और आज की डेट पे हमारे पास कितने पेमेंट के मेथड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ई कैश करेंसी सर्वर्स ठीक है ई चेक्स क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्मार्ट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पर्सेज तो आज की डेट पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन ऑफ मनी कर सकते हो राइट सम ऑफ दी एग्जांपल्स हम रूटीन में यूज करते हैं देखो ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करते होंगे तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं ई पी एस यूज करें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं लॉकडाउन के टाइम पे तो सारे जो बिल्स की पेमेंट है वो ऑनलाइन ही हो रही है तो इसलिए ये भी हम रूटीन में यूज करते हैं और ये भी किसकी एग्जाम्पल है ई पी एस की राइट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसिंग जोमैटो यूज करते हो स्विगी यूज करते हो तो वो क्या है ऑर्डर प्लेस करते हैं हम ऑनलाइन राइट right? फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग बुक माई शो यूज़ करते हो बुक माई शो इज दर एग्जाम्पल जिसके अंदर हम टिकट को ईजिली बुक कर सकते हैं वाइल सिटिंग एट होम तो वो ऐसा तो नहीं कहते अपनी सीट पर आके पैसे दे, दे देना नो no. आप ट्रांसफर कैसे करते हो पहले से आपके लाइक डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल कार्ड हैं वॉलेट्स हैं उनके थ्रू आप पहले पेमेंट करते हो तो इसलिए दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ई पी एस राइट अब इसके अंदर दो तरह के स्टोरेज मैथड्स होते हैं एक होता है ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है ऑनलाइन में क्या होता है हमें अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कैश अपने पास नहीं होता वी आर नॉट पोजेसिंग डू नॉट हैव पोजेशन पर्सनली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश तो फिर पेमेंट करता कौन है पेमेंट करती है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जैसे कि बैंक ठीक है जिसके अंदर हमारा अकाउंट है जब भी हम अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो बैंक के थ्रू पेमेंट जाती है डेबिट कार्ड वो चीज़ नहीं है कि लाइक उसके अंदर हमने पैसे स्टोर करके रखे हुए हैं तो वो ऑनलाइन पेमेंट ही कर सकते हैं अगर आपके पास नेट की फैसिलिटी है इंटरनेट आपका चल रहा है तभी आप वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हो अदरवाइज नहीं कर सकते और दूसरी होती है ऑफलाइन ऑफलाइन में क्या करते हैं हम ऑफलाइन में हम ऑलरेडी अपने ही पैसे को कन्वर्ट करवा लेते हैं होल्ड कैश ऑन स्मार्ट कार्ड और सॉफ्टवेयर वॉलेट लाइक like की ले लो ऑलरेडी हम स्मार्ट तो कार्ड और सॉफ्टवेयर वॉलेट तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो तो ये एक मेथड हो गया ऑफलाइन तो इसके अंदर फ्रॉड्स या डबल स्पेंडिंग के लिए एक टैम्पर प्रूफ इंस्ट्रिक्शन होती है इनक्रिप्शन ठीक है टेम्पर प्रूफ का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कि ये प्रिवेंट करती है अनऑथोराइज असेस को क्योंकि आपके ही मोबाइल uh, के अंदर वॉलेट्स होते हैं वॉलेट जो हमने डाउनलोड करे होते हैं ठीक है वॉलेट्स के अंदर हम पैसे डाल के रख लेते हैं ऑलरेडी तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है फ्रॉड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे तो उसके लिए टैंपर प्रूफ इंक्रिप्शन जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है तो अब हम करेंगे वट डू यू मीन बाय ई कैश कैश ई कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश ये क्या है एक ऐसा सिस्टम है जो पर्सन को अलाउ करता है टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज बाय ट्रांसमिटिंग अ नंबर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक नंबर के थ्रू पेमेंट हो जाती है ट्रांसमिटिंग अ नंबर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसे कि नोट्स के ऊपर सीरियल नंबर होते हैं ना हर एक नोट के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है उसी तरह से ई e कैश के पास एक यूनिक नंबर होता है ई e कैश में आपको एक यूनिक नंबर मिलता है जिसको यूज करके ठीक है आप जो अपनी ट्रांजेक्शन पूरी कर सकते हो ये इशू कौन करता है ई कैश ई कैश ई कैश बैंक इशू करता है ठीक है और ये जो ई e कैश का नंबर होता है ना इस कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल मनी को सम ऑफ रियल मनी कि कितने टोटल का मतलब मान लो मैंने 15000 का ई कैश कन्वर्ट करवा लिया 15000 का तो जो मेरा नंबर है वो रियल मनी को ट्रांसमिट करेगा और ये भी बताएगा कि कितने का कार्ड है 15, का ठीक है? इट इज एनोनमस एंड रीयूजेबल ये जो कार्ड होता है तब तक हम रीयूज कर सकते हैं जब तक जितनी अमाउंट का हमने बनवाया है उतनी अमाउंट खत्म नहीं हो जाती उसके अंदर और अनोनमस का मतलब होता है कि प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम बींग आइडेंटिफाइड बाई नेम एनोनमस मतलब आप उसको यूज करो लेकिन आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं जाएगी अगले के पास कि किसके नाम पे है यूनिक मतलब आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके स्टील होने के कोई चांसेस नहीं होते क्लियर अब हमारे पास आती है प्रोसेसिंग ऑफ ई कैश ई कैश की प्रोसेसिंग कैसे होती है ये है हमारा क्लाइंट कस्टमर लगा लो ठीक है कस्टमर क्या करता है बैंक के पास जाएगा उसको बोलेगा कि मेरे को आप लगा लो फिफ्टी थाउजेंड का ई e कैश का कार्ड बना के दे दो मेरे अकाउंट में वन लाख रुपीज पड़े वन लाख में से फिफ्टी थाउजेंड का मुझे ई e कैश कार्ड आप इशू कर दो बैंक उसके बदले में उसको ई e कैश कार्ड इशू कर देगा ठीक है फिर ये अगर इसने कुछ भी परचेज किया है फ्रॉम द मर्चेंट तो वहां पर अपना ई e कैश कार्ड चला सकता है पर मर्चेंट क्या करेगा पहले बैंक से वेरीफाई करेगा मतलब जब भी इस पर्सन का कार्ड मर्चेंट यूटिलाइज करेगा तो बैंक को ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा ठीक है और बैंक अपनी वेरिफिकेशन देगा टू द मर्चेंट कि ये बिल्कुल रियल कार्ड है कोई इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है तो फिर फाइनली मर्चेंट जो है वो उस कार्ड को यूटिलाइज करके अपनी पेमेंट ले लेगा और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आ जाइए सबसे पहले कंज्यूमर क्या करता है बाय करता है ई कैश फ्रॉम बैंक बैंक क्या करता है ई कैश बिट्स कंज्यूमर को दे देता है आफ्टर चार्जिंग दैट अमाउंट प्लस फीस जितने का कार्ड बनवाया है मैंने अभी आपको बोला फिफ्टी थाउजेंड का कार्ड हम बनवा रहे हैं तो जितने का कार्ड बनवाया है प्लस जितनी फीस बैंक ने अपनी चार्ज करनी है ई ई का कैश कार्ड इशू करने के लिए तो वो अपनी फीस चार्ज करेगा और उतने का कार्ड बना के कस्टमर को दे देगा फिर कंज्यूमर क्या करेगा ई कैश सेंड करेगा टू द मर्चेंट ठीक है मर्चेंट क्या करेगा चेक करेगा विद बैंक दैट ई कैश इज वैलिड वैलिड इन टर्म्स ऑफ फॉर्जरी और फ्रॉड ठीक है फिर बैंक क्या करेगा बैंक वेरीफाई करेगा कि ई कैश बिल्कुल वैलिड है और फाइनली पार्टी कंप्लीट देर ट्रांजेक्शन क्लियर फिर हमारे पास आता है इन शॉर्ट अगर बोले तो क्या है बेसिकली ई कैश एक ऑर्डिनरी कार्ड होता है मेड बाय द स्कलमर ये एक इंटरनेशनल ऑयल फील्ड सर्विस एंड इक्विपमेंट्स की एक है इंटरनेशनल कंपनी उसने ये स्टार्ट किया था ठीक है ये एक ऑर्डिनरी कार्ड है ये बहुत स्मार्ट माइंड के साथ बनाया गया विद वेरी स्मार्ट माइंड ऑर्डिनरी कार्ड्स के अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड के अंदर लेकिन इसके अंदर एक एक्चुअल माइक्रो चिप लगी हुई है और वो माइक्रो चिप सारा डाटा स्टोर कर लेती है अबाउट द पर्टिकुलर अकाउंट विच इज बिल्ड ऑन द कार्ड मतलब जिस अकाउंट के ऊपर ऑब्वियसली किसी के अकाउंट के थ्रू तो वो कार्ड बनेगा ना जैसे यही वाले कस्टमर की एग्जांपल ले लो तो इसका जो अकाउंट बैंक के अंदर चल रहा है उस अकाउंट के अगेंस्ट ही बनेगा ना कार्ड तो वो उस कार्ड के अंदर माइक्रोचिप की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है अबाउट द पर्टिकुलर अकाउंट ठीक है और हर ट्रांजेक्शन करने से पहले ये एक पिन प्रोवाइड करता है दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो यूनिक होता है हमेशा क्लियर फिर क्या है दैट गिव्स क्रेडिट फैसिलिटीज एज वेल एज फुल सिक्योरिटी अगेंस्ट मिस यूज़ जो ये पिन प्रोवाइड किया जाता है ना पिन ठीक है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो एक तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता, करता है और फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द मिसयूज और कस्टमर को इस कार्ड की सर्विसेज अवेल करने के लिए एनुअल सम पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ फीस जो है बैंक चार्ज करता है एनुअली वो उसे पे करनी पड़ती है फॉर द यूज ऑफ कार्ड तो देखे ये कार्ड किस तरह के होते हैं लाइक दिस ठीक है जस्ट लाइक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको एक ई कैश कार्ड इशू कर दिया जाता है वो प्रीपेड कार्ड होता है लाइक like जितने अमाउंट का आप ई कैश कार्ड लेना चाहते हो उतने अमाउंट का आपको दिया जाता है ये एक और एग्जाम्पल है ये देखो बैंक कार्ड का ई कैश राइट तो इसके अंदर माइक्रो चिप लगी होती है क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्यूरी गुरु के साथ